जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का डू फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मेरा नाम है कमलदीप सिंह और मैं आपके सामने लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस मतलब ओल्ड वन आउट वाले क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे तो वही क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं तो दोस्तों जो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए ताकि बाकी बचे हुए लोग जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ जाएं ठीक है अब देखो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं जो आपके ओड वन आउट वाले या सिमिलैरिटी डिफरेंसेस वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपके नंबरिंग बेस्ड हो सकते हैं अल्फाबेटिकल बेस्ड हो सकते हैं या फिर कोई टर्म्स बेस्ड हो सकते हैं जिसमें आपको को चार टर्म्स दी जाएंगी चार वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा आपका ऑप्शन डिफरेंट यहां पर होगा अब चार ऑप्शन में आपको इस तरीके से दे देता हूं चार प्रोफेशन आपको दे देता हूं तीन प्रोफेशन उसमें रिलेटेड होंगे बाकी का एक प्रोफेशन जो होगा आपका वो आपका डिफरेंट होगा तो सेम ऐसे ही आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा फाइंड करना है जो बाकी के तीन से डिफरेंस होगा ठीक है चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से और जितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग तो सभी लोग आ, दो तीन मिनट लेट हो गया सेशन कोई बात नहीं चलिए हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमारा क्लास होता है और मैं टाइमिंग भी बता देता हूं जो लोग नए हैं वो टाइमिंग देख लीजिए देख एक बार रीजनिंग का क्लास होता है आपका 11 एम डेली 11 एम पर क्लास होता है रीजनिंग का हाँ बिल्कुल तो गुड मॉर्निंग दोस्तों थर्टी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप थर्टी के थर्टी एक बार जल्दी से, से शेयर कर दो लाइक कर दो ताकि बाकी के बचे हुए लोग भी हमारे साथ जुड़ जाए ठीक है फिर करेंगे हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं किस तरीके के क्वेश्चन आपके पास आएंगे एक एग्जाम्पल लेकर बता देता हूं क्वेश्चन तो आपके पास आएंगे लिखा गया होगा आपको चार ऑप्शन दिए गए होंगे फाइंड द ओड वन आउट इन द गिवेन फोर ऑप्शन इस तरीके का क्वेश्चन कुछ आपके पास आएगा और आपसे बोला जाएगा कि आप उसमें से ओड वन को आउट करो ठीक है क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया होगा जैसे कि आपको चार ऑप्शन दे, दे देगा वो दैट इज थर्टी टू फोर्टी एट ऑप्शन नंबर बी आपको यहां पर दे देगा वो टेन एंड फिफ्टीन ऑप्शन नंबर सी आपको यहां पर देगा वो ट्वेंटी फोर एंड थर्टी टू एंड ऑप्शन नंबर डी आपको देगा थर्टी फोर एंड फिफ्टी वन ठीक है तो चार ऑप्शन आपके पास होंगे और आपको एक ऐसा ऑप्शन फाइंड करना है जो बाकी के तीन ऑप्शन से डिफरेंट होगा तो चलिए तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हाँ बिल्कुल जो ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जो लोग ग्रुप डी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी सेशन को एंजॉय कर सकते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं ग्रुप डी वाले भी सेशन को एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल तो प्रज्ञान सोनोवाल जी आप ग्रुप डी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेशन को एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि रीजनिंग का सेशन क्या होता है कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो सारे एग्जाम में सेम आते हैं ठीक है कुछ चैप्टर का डिफरेंसेस होता है या क्वेश्चन लेवल का डिफरेंसेस होता है तो जो मैं यहां पर करा रहा हूं तो इजी टू हाई लेवल में आपको करा रहा हूं यहां पर तो आप इजी लेवल मॉडरेट लेवल आराम से यहां से कवर कर सकते हैं ठीक है चलिए तो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी काफी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं देखो अगर लॉजिक की बात करता हूं तो यहां पर क्या लॉजिक होगा यह जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अब लॉजिक यहां पर क्या थर्टी टू दिया गया है यहां फोर्टी एट दिया गया है ठीक है तो अगर मैं थर्टी टू निकालना चाहूं तो यह होता है सोलह गुना दो बत्तीस और सोलह गुना तीन अड़तालीस ठीक है इसी तरीके से पांच दुना दस और पांच दिया पंद्रह इसी तरीके से बारह दुना चौबीस और बारह दिया छत्तीस होता है ठीक है बट यहां पर क्या दिया गया है 32. अब यहां पर क्या होता है सत्रह चौतीस और सत्रह तो कौन सा ऑप्शन डिफरेंट होगा यहां पर डिफरेंट होगा यहां पर ऑप्शन नंबर सी कौन सा डिफरेंट होगा ऑप्शन नंबर सी तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल गलत जवाब दिया है इसका ठीक है तो देखो सब लोग देखो सबसे पहले लॉजिक फाइंड कर लो कि लॉजिक यहां पर क्या है तो लॉजिक क्या था यहां पर पहले दो से मल्टीप्लाई और दी किसी एक नंबर को दो से फिर उसी नंबर को तीन से मल्टीप्लाई यानी कि सोलह बत्तीस और सोलह पांच को यहां दो से गुणा किया फिर तीन से गुणा किया उसके बाद सेम है चौतीस और सत्रह क्या लेकिन यहां बारह दुना चौबीस अगर मैं करता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा बारह छत्तीस तो छत्तीस तो यहां पर है नहीं कितना दिया गया है बत्तीस तो मेरा कौन सा ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है हा कोई बात नहीं तो आपने देखा कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर डिफरेंट था तो यही लॉजिक यही लॉजिक आपको फाइंड करना होता है एग्जाम में अब यही लॉजिक अगर आप गलत फाइंड करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाता है ये क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते हैं बस छोटा सा लॉजिक होता है अब ये लॉजिक जो होंगे आपको कैसे आएंगे अगर आपने सारे लॉजिक्स का प्रैक्टिस किया हुआ है तो एग्जाम में तुरंत आप देखकर उसका आंसर लगा सकते हैं ठीक है बिल्कुल आपको टाइम गवाने की वहां पर जरूरत नहीं है बट अगर आप पहली बार क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन गलत हो जाए ठीक है तो उस गलती से बचना है और लगातार प्रैक्टिस पर लगे रहना है चलिए आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है तो कंप्यूटर जी दिखा दीजिए पहला क्वेश्चन की पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है चलिए तो देखते हैं कंप्यूटर जी हमारा पहला क्वेश्चन दिखा दीजिए क्या है हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन तो पहला क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा ओड वन आउट से ही ठीक है अब कंप्यूटर जी आपके सामने क्वेश्चन पेश करेंगे पहला क्वेश्चन आ चुका है फाइंड द ओड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गि अल्टरनेटिव तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं तो ऐसा ऑप्शन आपको फाइंड करना है जो बाकी के तीन ऑप्शन से डिफरेंट है और ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा ये आप लोग मुझे बताएंगे अब जल्दी से बता दो क्या होगा वो ऑप्शन जो सबसे डिफरेंट है देखिए चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं जल्दी जल्दी आज क्वेश्चन करेंगे और जितने क्वेश्चन करेंगे एकदम स्पीड के साथ करेंगे क्योंकि स्पीड आपको बनानी है दूसरी बात स्कोर आपको काउंट करना है तो डेली एनालिसिस आई होप आपका चल रहा होगा जैसा कि मैंने आपको बताया था एक छोटा सा कॉपी बना लीजिए डेली एनालिसिस के लिए कि मैंने रीजनिंग में आज इतने अटैप्ट किए कल इतने अटैम्प्ट किए तो उससे क्या होगा एक एनालिस आपको हो जाएगा अपने परफॉर्मेंस का कि आपका परफॉर्मेंस ऊपर जा रहा है या परफॉर्मेंस नीचे आ रहा है ठीक है तो पहला ऑप्शन यहां पर दिया गया है फोर ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया सिक्स थर्टी ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया ए ट्वेंटी देखिए तो पहला क्वेश्चन दिया गया है ओड वन तो 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 आपको आउट करना था तो लॉजिक की मैं बात करता हूं तो लॉजिक क्या होगा यहां पर तो पहले सबसे पहले मैं सम का लॉजिक फाइंड करता हूं सम ऑफ डिजिट्स का लॉजिक तो सम डिजिट्स का लॉजिक क्या होगा चार और चार आठ और तीन ग्यारह अगर मैं सम ऑफ डिजिट इसका करता हूं तो मुझे यहां से कितना मिल जाता है इलेवन मुझे मिल जाता है थर्ड वाले पर देखता हूं आठ और दो दस और एक ग्यारह फोर्थ वाले पर चार दो छह और पांच ग्यारह इसका करता हूं तो यह आ जाता है बारह ठीक है तो सम ऑफ डिजिट का लॉजिक यहां पर लग रहा है तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी जो की है डिफरेंट तो सारे लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है सम ऑफ डिजिट्स का यहां पर लॉजिक लग रहा है अब सात सात लॉजिक काउंट करते जाना तो पहला लॉजिक आपने यहां से क्या सीखा पहला लॉजिक आज आपने सीखा सम ऑफ डिजिट कौन सा लॉजिक सीखा सम ऑफ डिजिट्स का तो नोट कर लो पहला लॉजिक सम ऑफ डिजिट का चेक करना है उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए कंप्यूटर जी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि फाइंड द ओल्ड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स ठीक है यहां पर आपको दिए गए हैं चार ऑप्शन एक पहला ऑप्शन दिया गया है स्विमिंग यानी तैराकी दूसरा दिया गया है सेलिंग सेलिंग मतलब जो नाप चलाते हैं वो वाला फिर ऑप्शन नंबर सी डाइविंग डाइविंग मतलब कि आप जब पानी में जंप करते हो दैट इज कॉल्ड डाइविंग और अगला है ड्राइविंग तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा चलिए तो जल्दी से जवाब दीजिए वॉट इज द राइट आंसर तो राइट आंसर आने लगा है दैट इज ड्राइविंग ताहिर जी ने जवाब दिया है ड्राइविंग ऑप्शन नंबर डी जवाब आ रहा है ड्राइविंग बिकॉज बाकी के जो तीन ऑप्शन है ऊपर वाले स्विमिंग सेलिंग एंड डाइविंग ये सब वाटर से रिलेटेड है ठीक है ये सब वाटर से रिलेटेड है लेकिन जो ड्राइविंग है आपका वो आप रोड पर करते हो ठीक है तो डिफरेंट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ड्राइविंग तो ड्राइविंग इज द डिफरेंट ऑप्शन सो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दूसरा लॉजिक आपने यहां से सीखा आपको क्या दिए गए थे एक्टिविटी दी गई थी यहां पर क्या एक्टिविटी आपको यहां पर दी गई थी स्विमिंग सेलिंग ड्राइविंग एंड डाइविंग तो फिर अगर एक्टिविटी आपको दी जाए तो आपको ऐसा चेक करना है कि कौन सी एक्टिविटी डिफरेंट है और बाकी के तीन जो एक्टिविटी हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है ठीक है अगर आप ये फाइंड कर लेते तो आपका आंसर हमेशा सही आएगा ओके okay? चलिए तो कंप्यूटर जी दिखा दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं काफी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको सभी को गुड मॉर्निंग और जो लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से एक बार शेयर कर दो ताकि बाकी बचे हुए लोग भी हमारे सेशन में जुड़ जाए चलिए हा तो चलिए दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में विषम शब्द का चयन करें पहला दिया गया ऑप्शन बैट दूसरा एम्पायर तीसरा स्टम्प्स एंड फोर्थ बेल्स तो कौन सा यहां पर ऑप्शन डिफरेंट होगा यह आपको बताना है ठीक है तो बैट अंपायर स्टम्स एंड बेल्स तो कौन सा ऑप्शन डिफरेंट होगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज अंपायर क्यों होगा डिफरेंट बाकी के जो हैं वो सब इक्विपमेंट है क्रिकेट खेलने के लिए और अंपायर जो होता है अंपायर क्या करता है एक डिसीजन देता है उस गेम को चलाने के लिए ठीक है तो बैट हो गया स्टंप हो गया बेल्स हो गया ये क्या है इक्विपमेंट्स हैं ओके तो तीन रिलेटेड हो गए हैं दैट इज इक्विपमेंट और डिफरेंट uh, यहां पर क्या हो गया एम्पायर ओके okay? सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दैट इज अंपायर बिल्कुल सही जवाब तो देखो मैं पहले ही कह रहा हूं सारे लोग अपना स्कोर चेक करते चलना और डेली डेली बनाना कि आपने आज इतना किया रीजनिंग में आ, मैथ में इतना अटैम्प्ट किया और जीए की क्लास होने वाली है इसके बाद जीए में कितना अटैम्प्ट किया तो एक एनालिसिस आपके पास रहेगा कि आपकी परफॉर्मेंस डे बाई डे इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीजिंग लेवल पर है ठीक है या फिर कॉन्स्टेंट चल रही है तो आप उसी तरीके से अपनी अगर डिक्रीज हो रही है तो आप अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं और पढ़कर ठीक है और अगर ऊपर की ओर जा रही है तो आप जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए और अगर है तो आपको थोड़ा और एफर्ट करना होगा ताकि आपकी आपकी जो जो है ऊपर जाने लगे परफॉर्मेंस है वो ऊपर की ओर जाने लगे तो जल्दी से एक बार जितने लोग जुड़े हुए हैं शेयर कर दो लाइक like कर दो अब चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर जैसा कि आपको मेरे यहां पर सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा ठीक है दैट इज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ओके चलिए तो क्वेश्चन नंबर फोर आपके सामने आने वाला है क्वेश्चन नंबर फोर दिखा दीजिए कंप्यूटर जी सो क्वेश्चन नंबर फोर इज फाइंड द वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन एल्टरनेटिव तो चार ऑप्शन दिए हैं दैट इज सिमला ऊटी दार्जिलिंग एंड आगरा तो वॉट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए जल्दी से जवाब दीजिए वॉट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शिमला ऊटी दार्जिलिंग एंड आगरा चार ऑप्शन में से आउट ऑफ द फोर ऑप्शन वॉट ऑप्शन इज रॉन्ग यानी कि कौन सा डिफरेंट है ऑप्शन ऑप्शन इज इज डिफरेंट सो नंबर डी द राइट आंसर दैट इज आगरा बिकॉज बाकी के जो तीन है शिमला ऊटी और दार्जिलिंग ये क्या है आपके ये आपके सारे के सारे हिल स्टेशन है सॉरी <coughs> और जो आगरा है आपका वो यहां पर डिफरेंट है ठीक है तो डिफरेंट वन कौन सा हो जाएगा दैट इज आगरा सो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो सही जवाब होगा और बाकी के जो तीन है शिमला ऊटी दार्जिलिंग ये आपके क्या है हिल स्टेशन है तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या है डिफरेंट है दैट इज आगरा बिल्कुल सारे लोगों ने सही जवाब दिया है <coughs> चलिए तो so, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन तो कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगा दीजिए तो so, अगला क्वेश्चन है सिक्सटी फोर नाइन हंड्रेड थ्री फोर्टी थ्री एंड वन थाउजेंड तो चार ऑप्शन दिए गए हैं यहां पर आपको ओड वन आउट करना है पहला है सिक्सटी फोर दूसरा है नाइन हंड्रेड तीसरा है यहां पर थ्री फोर थ्री एंड फोर्थ है यहां पर वन थाउजेंड चलिए तो जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा सही जवाब <laughs> तो डिफरेंट आंसर आ रहे हैं मेरे पास कुछ लोग 1000 जवाब दे रहे हैं और कुछ लोग यहां पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी दैट इज 900 तो सही जवाब क्या होगा ये हमें देखना होगा ठीक है देखो यहां पर लॉजिक क्या फाइंड करना है मैंने आपको बताया अगर हम दो तीन लॉजिक हमने पीछे अभी सीखे तो एक नया क्वेश्चन आया तो यहां पर लॉजिक हमारा क्या होगा हमें क्या चेक सारे नंबर हमें कैसे दिख रहे हैं या तो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट क्यूब है ठीक है या तो परफेक्ट स्क्वायर है या फिर परफेक्ट क्यूब है तो लॉजिक आप देख लीजिए एक लॉजिक और नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में क्या लॉजिक नोट करोगे परफेक्ट स्क्वायर चेक करना है अगर दिखे तो परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब ठीक है तो नोट ये लॉजिक नोट कर लीजिए ये लॉजिक नंबर थ्री हो गया आपका यहां पर अब देखो इसको मैं बोल सकता हूं फोर की पावर थ्री ठीक है दैट इज परफेक्ट क्यूब इसको मैं बोल सकता हूं सेवन की पावर थ्री दैट इज ऑल्सो ए परफेक्ट क्यूब इसको मैं बोल सकता हूं टेन की पावर थ्री दिस इज ऑल्सो ए परफेक्ट क्यूब ओके बट यहां पर ये होता है आपका थर्टी का स्क्वायर सो डिफरेंट ऑप्शन कौन सा हो गया है? आपका ऑप्शन नंबर बी दैट इज नाइन हंड्रेड इज द डिफरेंट वन बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है और बाकी के जो रिमेनिंग थ्री हैं वो क्या है परफेक्ट क्यूब्स हैं सो राइट आंसर इज हा ऑल आर परफेक्ट क्यूब एक्सपेक्ट नाइन हंड्रेड ओके बिल्कुल सही जवाब दिया है लॉजिक भी बिल्कुल सही दिया है यहां पर कुछ लोगों ने बहुत अच्छे तो इसका जवाब आपको पता चल गया लॉजिक आपने देखा परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब अगर आपको क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब दिखे तो आपको वहां पर परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब का लॉजिक चेक करना है ओके चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर तो चलो पांच क्वेश्चन आपके हो चुके हैं तो जल्दी से मुझे एक बार सारे लोग लिख के स्कोर बता दो कि कितना कितना स्कोर गेन कर लिया आप लोगों ने पांच में से फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर चलिए जल्दी से बताइए कितना कितना स्कोर आपने गेन कर लिया अभी तक तो जल्दी से लिख के बता दो सारे लोग फिर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स लगा दीजिए तो क्या है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स यहां पर अल्फाबेट से रिलेटेड आपका आ गया ठीक है तो अल्फाबेट से रिलेटेड है तो जाहिर सी बात है प्लेस वैल्यू का यूज होगा ठीक है अब प्लेस वैल्यू कैसे यूज करनी है मैंने आपको बताया था दैट इज नीड्स मोर प्रैक्टिस आपकोडिटिंग की आप मोर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको यह क्वेश्चन आराम से आ जाएगा ठीक है अब जल्दी से जितने लोग देख रहे हैं एक बार शेयर और कर दो साथ में लाइक कर दो और जो लोग नए हैं भैया सब्सक्राइब भी कर दो ठीक है चलिए तो फाइव में से फोर है कुछ लोगों के फाइव में से फाइव है बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है अभी तक सारे लोगों का अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है ऑप्शन नंबर ए यहां पर दिया गया है ए ई आई एम ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपको दिया गया है बी एफ जे एन ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है सी जी के ओ एंड ऑप्शन नंबर डी आपको यहां पर दिया गया है एफ डी के एन चलिए लॉजिक आपको यहां से फाइंड करना है कि यहां क्या लॉजिक लग रहा है तो आंसर हमारे पास आने लगा है ऑप्शन नंबर डी दैट इज एफडी के एन तो चलिए चेक कर लेते हैं नंबर सिस्टम में अब लॉजिक की बात करते हैं यहां पर लॉजिक लॉजिक क्या होगा तो यहां से आप देखोगे कि एक की प्लेस वैल्यू वन होती है की फाइव इसकी नाइन और इसकी थर्टीन ठीक है तो आप देखोगे एक से पांच हुआ प्लस चार का इंक्रीमेंट प्लस चार का इंक्रीमेंट पांच से नो पर नो से तेरह पर फिर से प्लस चार का इंक्रीमेंट ठीक है तो लॉजिक हमारे पास आ गया प्लस फोर का इंक्रीमेंट यहां पर हो रहा है प्लस फोर का इंक्रीमेंट ओके अब यहां से बी से एफ पर गया प्लस फोर एफ से जे पर गया प्लस फोर और जे से एन पर गया प्लस फोर C से G पर गया प्लस फोर जी से K पर गया प्लस फोर एंड K से O पे गया प्लस फोर एफ से D पे गया देखो F होता है आपका सिक्स और D होता है फोर तो ये कितना हो गया माइनस टू तो यहां माइनस टू बन गया तो डिफरेंट कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर D बाकी के तीन सेम थे बस ऑप्शन नंबर D आपका डिफरेंट हो गया सो ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर ओके चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास क्या है वॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर क्वेश्चन नंबर सेवन कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर सेवन लगा दीजिए तो क्वेश्चन नंबर सेवन है दैट इज विगर फास्टर ग्रेटर एंड चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये मेजरमेंट दिए गए हैं आपको विगर फास्टर ग्रेटर एंड टोलर तो इसमें कौन सा डिफरेंट होगा ये आपको फाइंड करना है तो देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं और कितने लोग गलत जवाब देते हैं ठीक है चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है सेवन और यहां दिया गया है दैट इज विगर ऑप्शन नंबर टू फास्टर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ग्रेटर एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है यहां पर टॉलर चलिए तो जवाब दीजिए क्या होगा सही जवाब तो आंसर आने लगा है ऑप्शन नंबर बी दैट इज फास्टर देखो हाँ बिल्कुल तेज अब ये तेज इसलिए आपका डिफरेंट है क्योंकि देखो बाकी के जो तीन दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी ए सी और डी ये सारे के सारे क्या है लेंथ मेजरमेंट है ये सारे के सारे क्या है लेंथ मेजरमेंट है यानी कि बिगर हो विशाल हो ग्रेटर हो यानी कि बड़ा हो या फिर टोलर हो उसको लंबाई में नापते हैं ओके अब ये फास्टर जो हो गया ना ये स्पीड स्पीड के लिए यूज किया जाता है किसके लिए यूज किया जाता है स्पीड के लिए यूज किया जाता है फास्टर ठीक है, है तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका डिफरेंट हो जाएगा यहां पर सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्लियर हुआ चलिए अब देखो एक बात एक बात बताइए हंड्रेड से ऊपर हमें देख रहे हैं यहां पर अब लाइक ओनली फोर्टी टू तो जल्दी से एक बार लाइक कर दो यार कम से कम और फिर शेयर कर देना और फिर लाइक सब्सक्राइब कर देना जो लोग नए हैं ठीक है, है? चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन तो कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए बिल्कुल तो so अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहां पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर एट तो कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर एट लगा दीजिए दैट इज यहां पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं पहला अर्थमेटिक दूसरा मैथमेटिक्स फिर तीसरा ज्योमेट्री एंड फोर्थ इज एलजेब्रा ठीक है फोर्थ इज एलजेब्रा तो बताइए यहां पर क्या होगा हमारा सही जवाब कौन सा ऑप्शन यहां पर होगा डिफरेंट और बाकी के तीन कौन से होंगे सेम चलिए तो जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा सही जवाब अर्थमेटिक मैथमेटिक ज्योमेट्री और एलजेब्रा चलिए तो आंसर आने लगाया दैट इज मैथमेटिक्स ऑप्शन नंबर बी बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक हो ज्योमेट्री हो या एल्जेब्रा हो ये सारी की सारी किसकी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है किसकी ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, की ब्रांच होती है आपकी कौन कौन सी अर्थमेटिक ठीक है जियोमेट्री और एलजेब्रा ठीक है तो ये तीनों की तीनों क्या है भैया ब्रांच है

तो क्वेश्चन नंबर नाइन है दैट इज मॉस्क्यू एंड चर्च तो क्या होगा यहां पर सही जवाब यानी कि डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है आपका बाकी के तीन ऑप्शन से चलिए तो दिया गया है टेम्पल वर्सिप मॉस्क्यू एंड चर्च अच्छा पहले एक बात बता दो मुझे कितने 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 लोगों ने अभी तक शेयर कर दिया है ने शेयर नहीं किया है ठीक है जल्दी से लिख के बता दो कितनों ने शेयर कर दिया और कितनों ने नहीं किया तो जितनों ने शेयर नहीं किया अभी तक भैया जल्दी से, से शेयर कर दो और लाइक भी जितने नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो एक बार तो हमारा जो डिफरेंट ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन आ रहा है दैट इज वर्सिप बिकॉज टेम्पल हो मॉस्क्यू हो या चर्च हो सारी जगह पर क्या होती है पूजा होती है ठीक है तो ये जो है टेम्पल हो या मॉस्क्यू uh, हो या फिर चर्च हो ये क्या है पूजा करने का स्थान होता है और इन सब में क्या होती है पूजा होती है तो ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो डिफरेंट हो जाएगा दैट इज वर्सिप ठीक है सो वर्सिप इज डिफरेंट चलिए बिल्कुल अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है वॉट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहां पर एल्फावेटिकल सीरीज से क्वेश्चन रिलेटेड है यहां पर और दिया गया है पहला ऑप्शन दिया गया है एम एन ओ पी सेकेंड ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी दैट इज बी डी एंड सी बी ऑप्शन नंबर सी आपको यहां पर दिया गया है एक्स जेड वाई एक्स एंड ऑप्शन नंबर डी आपको यहां पर दिया गया है पी आर पी चलिए बिल्कुल संपा सरकार जी कह रहे हैं क्लास खत्म होने के बाद लाइक करेंगे ओके चलिए हम क्लास खत्म होने का वेट कर लेते हैं एम एन ओ एम इज द राइट आंसर आ रहा है काफी लोगों का यहां पर चलिए देख लेते हैं क्या सही जवाब है देखो लॉजिक अगर मैं फाइंड करता हूं तो यहां पर क्या दिया गया है पहला और आखिरी का लेटर जो है, है, सेम दिया गया है ठीक है पहला और आखिरी का लेटर क्या है सेम दिया गया है यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है और यहां पर भी सेम है ठीक है अब बीच वाले दो की बात करते हैं आर के बाद क्यू आता है ठीक है क्यू आर यानी कि आर के पहले आता है यानी कि यहां पर अब रिवर्स में दिया गया है कैसे दिया गया है रिवर्स में आपको दिया गया है यानी कि क्यू से माइनस वन करता हूं मैं मैंने एरो एरो इसलिए लगाया यहां पर कि क्यू से माइनस वन करूंगा तो क्या R आ जाएगा आर आ जाएगा ठीक है अब इसी तरीके से वाई से प्लस वन सॉरी प्लस वन करने पर वाई से प्लस वन करता हूं तो जेड और सी से प्लस वन करता हूं तो डी इसी तरीके से ओ से अगर मैं प्लस वन करता हूं तो क्या आना चाहिए था पी आना चाहिए था लेकिन दिया क्या गया है यहां पर एन दिया गया है ठीक है तो ये मेरा डिफरेंट हो जाएगा और यही मेरा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है चलिए बिल्कुल आप चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बोर्ड पर तो क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर जी मुझे बोर्ड पर दिखा दीजिए तो क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है ऑप्शन नंबर ए आपको दिया गया है 126 ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया है 215 ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है थ्री एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है फाइव चलिए तो यहां पर बताइए इनमें से ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट ऑप्शन होगा अब यहां से आप क्या करोगे एक नया लॉजिक फाइंड करोगे यहां से आप लोग एक नया लॉजिक फाइंड करोगे ठीक है हाँ थैंक यू सुकुमार पोल तो मैं चा, मेरे मेरी जो आ, मेरी जो एक्सपेक्टेशन होती है यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास का फायदा हो ठीक है चलिए तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास काफी लोगों का जवाब आ रहा है कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए भी जवाब दे रहे हैं 126 भी काफी लोगों का जवाब आ रहा है ताहिर ने 126 दिया है दिनेश दीक्षा ने दिया है, 126 ट्वेंटी सिक्स हर्षदा ने वन चलिए देख लेते हैं सर क्या होगा इसका सही जवाब देखो लॉजिक की बात करता हूं तो 126 को मैं क्या लिख सकता हूं 125 ट्वेंटी प्लस वन इसको लिख सकता हूं खो क्या लिखा हुआ है 215 लिखा हुआ है 215 तो क्या इसके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नंबर होता है बिल्कुल होता है क्या होता है इसके पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है दैट इज सिक्स का क्यूब क्या होता है 216 सौ सो, सोलह तो ये दो सौ सोलह माइनस एक लिख सकता हूं इसको इसको क्या लिख सकता हूं इसको लिख सकता हूं मैं तीन सौ तैतालीस माइनस वन ये भी परफेक्ट क्यूब होता है यहां पर पांच सौ बारह माइनस वन लिख सकता हूं ये भी परफेक्ट क्यूब होता है ठीक है तो ये हो जाएगा आपका सात का क्यूब माइनस वन ये हो जाएगा आठ का क्यूब माइनस वन और ये हो जाएगा आपका छ का क्यूब माइनस वन और यहां पे दिया हुआ है फाइव का क्यूब प्लस वन तो यहां पर डिफरेंट लॉजिक आपका वन के आ गया तो एक नया लॉजिक आपने यहां से सीखा दैट इज क्यूब प्लस वन या क्यूब माइनस वन तो ये ध्यान रखना या तो क्यूब प्लस वन का लॉजिक होगा या क्यूब माइनस वन का लॉजिक होगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा आपका यहां से डिफरेंट हो जाएगा ओके क्लियर हुआ सभी को हा ऑप्शन नंबर ए इज द डिफरेंट वन चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन इज़ 286 ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 286 एंड 628 ऑप्शन नंबर बी आपको यहां पर दिया गया है 397 एंड सेवन थर्टी नाइन ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है फोर सेवेंटी फाइव एंड फाइव सेवेंटी फोर एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है थ्री सिक्स नाइन एंड नाइन थ्री सिक्स चलिए तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर डिफरेंट होगा चलिए तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर डिफरेंट होगा फाइव सेवेंटी फोर आंसर बता रहे हैं काफी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा है क्वेश्चन का देखिए देख लेते हैं यहां पर देखो आपने देखा कि टू एट सिक्स आगे था सिक्स टू एट तो आपने देखा कि सारे के सारे नंबर तो भैया वही, वही है जो यहां पर लिखे हुए थे बट इनका प्लेस जो है वो चेंज हो गया क्या प्लेस हो गया है तो अगर मैं इसको वन टू थ्री के रूप में लिखूं इसको फर्स्ट पॉजिशन इसको सेकेंड पॉजिशन इसको थर्ड पॉजिशन तो ये पॉजिशन कैसे चेंज हुई ये हुई टू फिर क्या हुआ आपका वन यानी कि फर्स्ट प्लेस वाला फिर आपका आया सॉरी सिक्स था आपका थर्ड प्लेस पर ये आ जाएगा थ्री वन और टू यानी कि ये पॉजिशन चेंज होगी थ्री वन टू में तो इसी तरीके से ये अगर वन टू थ्री है तो ये फिर थ्री वन टू होना चाहिए तो थ्री वन और टू यानी कि अभी तक तो ये भी सही है और ये भी सही है सी वाले पर आते हैं या पहले इसको देख लेते हैं वन टू थ्री तो ये कितना होगा आपका थ्री वन और टू ये भी सही है तो बचा कौन सा ये वाला तो देख लीजिए यहाँ पर वन टू थ्री और ये आ जाएगा आपका थ्री टू वन तो डिफरेंट कौन सा आया ये थ्री टू वन वाला तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका डिफरेंट आ जाएगा यहाँ से ठीक है सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है आपकी सामने जो बोर्ड है वहां लिखा जाएगा क्वेश्चन और क्वेश्चन है पहला ऑप्शन दिया गया है आपको 2016 ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2000 सॉरी 3006 ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है 3016 एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है थ्री थ्री जीरो थ्री चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए ये क्वेश्चन जो है आपका ये एफ सी आई के एफ एस एस सी एफ सी आई के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन ये एस एस सी एफ सी आई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब अब भैया सारे लोग जल्दी से लाइक कर दो और शेयर भी कर दो साथ, -साथ में ठीक है चलिए क्वेश्चन है आपका तो आंसर आने लगा है थ्री थाउजेंड सिक्सटीन थ्री थाउजेंड सिक्सटीन थ्री थाउजेंड सिक्सटीन ऑप्शन नंबर सी जवाब आ रहा है काफी लोगों का तो देखते हैं लोग कर देते हैं इसको चलो एक मिनट के लिए तो क्या देखेंगे क्या ये हमारा जो ऑप्शन है ये सही है तो बाकी के जो नंबर्स हैं अगर मैं उनको डिवाइड करता हूं किससे करता हूं थ्री से डिवाइड करता हूं इसको मैं थ्री से डिवाइड करता हूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है ठीक है इसको अगर मैं थ्री से डिवाइड करता हूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है इसको भी अगर मैं थ्री से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा ये अब थ्री थाउजेंड सिक्स को हां बिल्कुल तो सम इज नाइन तो ये भी आपका थ्री से डिवाइड हो जाएगा एंड ये भी आपका थ्री से डिवाइड करता हूं तो ये थ्री से डिवाइड नहीं होगा तो कौन सा डिफरेंट है? है तो यही हमारा जवाब हो जाएगा राइट आंसर क्लियर हुआ सम ऑफ ऑल नंबर कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा ठीक है सम ऑफ डिजिट का भी आप अगर यहां पर लॉजिक लगाते हैं तो भी आपका आंसर सही आएगा बिकॉज तीन से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब उस नंबर का सम जो है थ्री से डिवाइड होता है ओके okay? थ्री या नाइन से कोई नंबर तभी डिवाइड होता है जब उस नंबर्स की जो डिजिट्स होती हैं उनका सम थ्री या नाइन से डिवाइड होता है तो इसीलिए यहां पर आप डिवाइडेड बाय थ्री का लॉजिक भी लगा सकते हैं और यहां सम ऑफ डिजिट का लॉजिक भी आप लगा सकते हैं ओके okay? चलिए हाँ अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की वो, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन है पहला ऑप्शन दिया गया है नाइन फोर्टी फाइव ऑप्शन नंबर बी आपके पास दिया गया है 625, ऑप्शन नंबर सी आपके पास दिया गया है 743 एंड ऑप्शन नंबर डी आपके पास दिया गया है 853 चलिए जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा सही जवाब देखो प्रतिभा जी पूछ रहे हैं कि ये रीज़न डिविजिबल बाय टू भी हो सकता था ठीक है डिविजिबल बाय टू भी हो सकता था देखो मैंने आपको बार बार एक चीज़ बोली है कि जो जो पैटर्न जो है जो आंसर जो है जो सेट करता है वो एग्जामिनर होता है ठीक है और वो जो आंसर सेट करता है अगर उससे ज़्यादा आंसर सही होते हैं उसके अगर उससे ज़्यादा आंसर उसके सही होते हैं तो क्या होता है कि आप उस पर एक रिज डाल सकते हो वहां पर एक कंप्लेन कर सकते हो साइट पर जाकर कि इस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा आंसर सही आ रहे हैं ठीक है तो वहां पर क्या होता है उस क्वेश्चन का फायदा सभी को मिल जाता है तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि जिसके दो तीन लॉजिक से अगर हम आंसर निकाले तो डिफरेंट आते हैं ठीक है तो ये ऐसे क्वेश्चन वही होते हैं ओके तो जो आप निकाल लें आप उस पर कायम रहें और बिल्कुल अगर ऐसा होता है कि दो तीन आंसर सही है उसके तो आप उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं आपका नंबर उस आपके जो नंबर है वो जरूर मिलेंगे उस पर अब क्वेश्चन यहां पर दिया गया है हा आंसर सिक्स आ रहा है यहां पर चलिए देख लेते हैं देखो लॉजिक यहां पर क्या है वो देख लेते हैं तो मैं देख रहा हूं कि नाइन है फाइव है और फोर है एट है थ्री है और फाइव है सेवन है थ्री है और फोर है तो क्या आपको कुछ नजर आ रहा है यहां से देखो नजर ये आ रहा है कि अगर मैं नाइन से फाइव को माइनस कर दूं तो मुझे ये बीच वाला नंबर मिल जाता है अगर मैं सेवन से थ्री को माइनस कर देता हूं तो फिर से मुझे बीच वाला नंबर मिल जाता है अगर मैं एट से थ्री को माइनस कर देता हूं तो मुझे फिर बी, बीच वा, बीच वाला नंबर मिल जाता है बट यहां पर ऐसा नहीं है अगर मैं सिक्स से फाइव को माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है वन और यहां पर दिया गया एड टू तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज सिक्स ट्वेंटी फाइव क्लियर हुआ तो सिक्स ट्वेंटी फाइव क्या होगा आपका सही जवाब होगा बिल्कुल सारे लोगों ने सही जवाब दिया है बिल्कुल और हैप्पी सिंह बता रहे हैं कि ये जो है एक स्क्वायर भी है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर सिक्स ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर होता है दैट इज हाँ। चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने हाँ, तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाला लॉजिक भी यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं ओके चलिए देखो अब क्वेश्चन आपके सामने आया है यहां पर कि बीस सोलह अट्ठारह आगे दिया गया है ऑप्शन नंबर भी 18, चौदह सोलह और सोलह ऑप्शन नंबर सी आपको यहां पर दिया गया है सोलह बारह और चौदह एंड ऑप्शन नंबर डी आपको यहां पर दिया गया है चौदह ग्यारह और तेरह चलिए तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसमें डिफरेंट ऑप्शन और क्या होगा आपका सही जवाब कोई बात नहीं कोई बात नहीं देखो मैंने आपको बताया कि एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा लॉजिक हो सकते हैं और मोस्टली टाइम ऐसा होगा कि एक ही लॉजिक सारे के सारे लॉजिक से आपका आंसर सेम आ रहा होगा और एक दो बार ऐसा भी होगा कि आपके जो अलग अलग लॉजिक है उनसे अलग अलग आंसर आ रहे होंगे तो ऐसा तब होगा जब उस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी और वो मिस्टेक को ठीक करने के लिए एग्जाम में क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन का अलग ऑप्शन लगा के आएंगे तो आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं सब, आ, साइट पर जाकर वहां पर एक कंप्लेन ऑप्शन होता है कि अगर पेपर में आपको कोई प्रॉब्लम थी तो आप उस क्वेश्चन को कंप्लेन कर सकते हैं ठीक है तो वहां पर उस चीज का यूज किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपके पास जवाब आ रहा है तो चलिए देख लेते हैं आप यहां पर क्या होगा सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर डिफरेंट आ रहा है तो चलिए देख लेते हैं देखो ट्वेंटी सिक्सटीन एंड एट्टीन तो यहां से ट्वेंटी से सिक्सटीन निकालने के लिए माइनस चार करना पड़ेगा और सिक्सटीन से ट्वेंटी करने के लिए प्लस टू करना पड़ेगा ठीक है अट्ठारह से चौदह पे आने के लिए माइनस चार और चौदह से सोलह पे जाने के लिए प्लस टू तो यहां अभी तक यहां दोनों में सेम लॉजिक है अब यहां पर देखते हैं बारह सोलह से बारह पे माइनस चार और बारह से चौदह पे प्लस टू चौदह से ग्यारह पर माइनस तीन यहां पर आ गया क्या आ गया माइनस तीन और यहां पर डिफरेंट तो तो so, आंसर क्लियर हुआ तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है डिफरेंट तो मैं इतने अगला क्वेश्चन तो यहां पर लिखता हूं आप सारे के सारे क्या करो जल्दी से मुझे अपना स्कोर लिख के बता दो कि किसने कितना स्कोर अभी तक गेन कर लिया है जितने क्वेश्चन तो मैंने कराया अभी तक ठीक है चलिए चलिए हाँ देखो अभी एक लॉजिक और निकल गया है यहां से कि जी ने जवाब दिया कि ऑल आर डिविजिबल वाई टू बाकी थ्री ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर डी था वो डिविजिबल वाई टू नहीं था ठीक है हाँ बिल्कुल सही कह सकते हैं ऐसा भी बोल सकते हैं आप चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों ये दिया गया है यहां पर थ्री नाइनटी टू ट्वेंटी वन आगे दिया गया है फोर एट्टी थ्री फिफ्टीन उसके आगे दिया गया है सिक्स और टू फोर्टी टू एंड ऑप्शन नंबर डी यहां पर दिया गया है नाइन वन सेवन थर्टी फाइव चलिए तो बताइए कौन सा यहां पर ऑप्शन ऐसा है जो बाकी से डिफरेंट होगा तो पंद्रह में से पंद्रह कर लिए कुछ लोगों ने कुछ लोगों का पंद्रह में से 13 है कुछ का साजिद अली जी हमारे साथ लेट ज्वाइन हुए शायद उनका तीन में से तीन है मानी बाद में उनके तीन क्वेश्चन बिल्कुल सही किए उन्होंने कोई बात नहीं चलिए चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब देखो थर्टीन से नीचे शायद किसी के ही हैं कुछ लोग नाइन पर भी हैं अभी कोई बात नहीं आप इस अपने स्कोर को धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारे पास आंसर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट होगा देखिए देखो तो अगर मैं बाकी के सात ऑप्शन बाकी के सारे ऑप्शन की बात करता हूं बाकी के अगर सारे ऑप्शन की मैं बात करता हूं तो यहां पर जो लॉजिक लग के आ रहा है आपका देखो ट्वेंटी वन ले लो फोर्टी टू ले लो या फिर थर्टी फाइव ले लो ठीक है तो ये सारे के सारे नंबर क्या है डिविजिबल वाई सेवन है क्या है डिविजिबल वाई सेवन डिविजिबल वाई सेवन ठीक है आप थ्री नाइनटी टू को करोगे ये भी डिविजिबल वाई सेवन है सिक्स और टू को करोगे तो ये भी डिविजिबल वाई सेवन है ये भी डिविजिबल वाई सेवन है बट ये जो फिफ्टीन है ना ये आपका डिविजिबल वाई सेवन नहीं है तो कौन सा डिफरेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है हाँ तो ऑप्शन नंबर ये आपका डिफरेंट है क्लियर हुआ सभी को चलिए भाई अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन दिया गया है दैट इज ऑप्शन नंबर ए है ट्वेंटी फाइव थर्टी सिक्स ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वन फोर्टी फोर वन सिक्सटी नाइन ऑप्शन नंबर सी आपको दिया गया है हंड्रेड एंड वन ट्वेंटी वन एंड ऑप्शन नंबर डी आपको दिया गया है नाइन एंड सिक्सटी फोर चलिए तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर होगा डिफरेंट हाँ दीपांकर जी कह रहे हैं बी का जो सम ऑफ डिजिट था वो मैच कर रहा था तो वो लॉजिक भी आप वहां पर लगा सकते हैं मैंने आपको बताया सर एक क्वेश्चन के एक से ज्यादा लॉजिक हो सकते हैं और उन लॉजिक से सारे के सारे लॉजिक से सेम आंसर भी आएगा अगर क्वेश्चन सही है तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है तो अलग लॉजिक से अलग आंसर आएगा ठीक है अगर क्वेश्चन सही है आपका तो सारे के सारे लॉजिक से आपका आंसर सेम ही आएगा तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास जवाब आ रहा है यहां पर देखो अगर मैं बात करता हूं ट्वेंटी की तो ये फाइव का स्क्वायर और ये सिक्स का स्क्वायर ये टेल्व का स्क्वायर और ये थर्टीन का स्क्वायर ये टेन का स्क्वायर और ये हंड्रेड इलेवन का स्क्वायर तो यहां पर इलेवन का, 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 का यहां पर क्या है थ्री का स्क्वायर और ये फोर का क्यूब दिया गया है फोर का क्यूब दिया गया है तो कौन सा डिफरेंट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर अच्छा तो अब हमारा सेशन ए, 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 एंडिंग की ओर है अब हम सेशन को यहीं पर विराम देते हैं तो जितने लोग अभी हमारे पास देख रहे हैं जो जल्दी से जल्दी सारे के सारे लोग जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है जल्दी से कर दो लाइक और सेशन को दोस्तों शेयर करते रहना ठीक है तो मिलते हैं कल आपसे फिर नेक्स्ट सेशन में और तब तक के लिए सी यू टेक केयर बाय एंड ऑल द बेस्ट जय हिंद